हेलो फ्रेंड्स, संक्रांति का त्यौहार है और हर घर में इस समय तिल के लड्डू ज़रूर बनाए जाते हैं। तो आइए आज हम भी तिल के लड्डू बनाते हैं, पर बिल्कुल ही अलग और आसान तरीके से। इसके लिए एक कढ़ाई में हम एक कटोरी तिल डालेंगे। अब इसे धीमी आंच पर ही इस तरह चलाते हुए भूंजिए। तिल को जब हम थोड़ी देर यूं ही सेकते रहते हैं तब उसमें से एक चिट-चिट की आवाज़ आने लगती है। देखिए, कुछ इस प्रकार की आवाज़ आएगी। इसका मतलब है कि हमारी तिल अच्छे से सिक रही है। इसी तरह इसको धीमी आंच पर ही चलाइएगा, तिल जलना नहीं चाहिए। सेकते सेकते जब ये आवाज़ आना कम हो जाए तब हम इसमें से आधी तिली को एक प्लेट में निकाल लेंगे और बची हुई तिल को एक मिक्सी के जार में ले लेंगे। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी 3/4 कटोरी गुड़। हमें तिल को गरम गरम ही पीसना है, इसे ठंडा नहीं करेंगे। इस गुड़ के साथ हम इस तिली को पीस लेंगे। तिली पिसकर तैयार हो चुकी है। अब इसे एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। वैसे तो जब हम गरम तिली को गुड़ के साथ पीसते हैं तो वो अपने आप ही बाइंड होने लायक बन जाती है, पर कई बार मार्केट में अलग अलग तरह के गुड़ आते हैं। यदि वो बहुत ज़्यादा ड्राई है या तिली ने प्रॉपर तेल नहीं छोड़ा है तो आप इसे पीसते वक्त इसमें 1/2 चम्मच घी ऐड कर लीजिए। उससे ये मटेरियल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। पीसने से पहले जो हमने तिल निकाल कर अलग रखी थी उसमें से थोड़ी सी तिली हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा घी लीजिए। इस घी को अपने दोनों हाथों पर लगाइए। एक हाथ से हम लड्डू बाइंड करना स्टार्ट करेंगे और दूसरे हाथ से हम इसके ऊपर तिल पेस्ट करेंगे। उसके लिए हम अपने दूसरे हाथ को तिल में इस तरह से रखेंगे जिससे हमारे हाथ में पूरी तिली इस तरह स्टिक हो जाएगी। अब लड्डू को जब हम इस तरह रोल करते हैं तो एक्स्ट्रा तिली उसके ऊपर लग जाती है जिससे इसमें बहुत ही अच्छा लुक आता है। बस ऐसे ही हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम लड्डू को इस तरह तिली के ऊपर रोल करें और तिली उसके ऊपर स्टिक हो जाएगी। तो बस तिल को भूंजिए, गुड़ के साथ पीसिए और फटाफट बांधकर अपने लड्डू तैयार कर लीजिए। तो है ना एकदम आसान तरीका तिल के लड्डू बनाने का। तो क्या आप भी इस मकर संक्रांति यही वाले लड्डू बनाने वाले हैं? मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।